बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, आज एक दफ़ा फिर अस एक नवी वीडियो के नहीं तुसें खिदमत पेश हुए हैं और उम्मीद करने जिस तरह तुसें साड़ियां अगलियां वीडियो पसंद कीतियां, लाइक कीतियां, इस तरह तुसें ये वीडियो तुसें पसंद कर सो। और अज सा एक जानी पछानी शख्सियत है जिसका नाम बुझी तकरीबन साढ़े आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान ने जितने बंदे इन्हें सर बड़ा फखर न बुलंद हो गया सी, क्योंकि इन्हें एक अच्छी बड़ी मेहनत की और इस अहदे तक पहुँचे। और अच्छो तुसा अज इन्हें तारीफ कराने साले अज तेहरेली MP पार्लियामेंट्री मैंबर इन्हें होल ग्रीन जो इलेक्शन जीते जिन्होंने MP बनते और इन्हें बड़ी मेहनत की और इन्हें पूछने कि तुसा इतनी मेहनत की और इसने ज़्यादा मुश्किलें आई उस इसने बारे इन्हों को पूछने अज जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सब तो पहले तो मैं बर्मिंघम यूट्यूब चैनल ना शुक्रिया अदा करना चाहना जिन्होंने मिगी यह मौका दिता और तुसा इस काबिल समझिया कि मेरा भी इंटरव्यू किनो। इस तू बाद जरा तुसा सवाल सी बैसीयत सियासत मारा कदू अछना, इस तू पहले मैं थोड़ा दसना चाहना कि मारा जरा जाती फील्ड है वह इंजीनियरिंग है। स्कूलों निकलने तो बाद जी मारी अप्रेंटिसशिप सी वो इंजीनियरिंग सी और मारा लोकल मसलियां च इन्वॉल्व होना उतों मैनू इनकरेजमेंट मिली। कुछ संगी साथी सन, कुछ दोस्त सन जिन्होंने आखिया कि अस चाहे कि तुहारे जहा बंदा बर्मिंघम सिटी काउंसिल ही चाहना चाहिए। मैं उन्होंने दसिया कि मारी लाइन सियासत नहीं, मैं इंजीनियर हाँ, जरा मारा बिहाइंड द सीन कम हो सकना वह मैं कर सा। बहरहाल एक लम्मी दास्तान है पर टाइम नहीं किल्लत नहीं वजह तो मैं तुसा की शार्ट शार्ट दसना कि सियासती जशना बर्मिंघम सिटी काउंसिल फिर साल तो बाद कैबिनेट मेंबर बनना और 20 साल बर्मिंघम सिटी काउंसिल गुजारने तो बाद जो मैनू टिकट मिलिया होल ग्रीन अल्लाह ताला ने बहुत बहुत मेहरबानी और करम नवाजी है कि मारे जे बंदे को भी मौका मिली सकया कि मैं भी लोगों की पार्लीमेंट रिप्रेजेंट करी सका। और जो भी काम तुसा कर सो उसने तुसा की मेहनत करनी पैसी, मुश्किल भी मिलनिया, हर रुकावट जी है तुसा की बाईपास करनी पैनी, पर अल्लाह ताला नी तरफों जिसलै करम नवाजी हुआ है तो बंदा एक सबब बनना तो बाकी ने जेरे कम है अल्लाह ताला तक ही होने। बिल्कुल सही है। और तुसा को एक और सवाल पूछने कि आज 5 अगस्त है और पिछले साल तुसा ने पहली तकरीर सी पार्लियामेंट में और तकरीबन हर बंदे सुनती सी और तुसा ने तकरीर कश्मीर पर से, इसने बारे अगर कोई असं की कोई बयान करो तो। देखो बैसीयत कश्मीरी असं वास्तै ये जरा कोज़ आ जरूरी कोज़ है। 2001-2002 मैं करारदार बर्मिंघम सिटी काउंसिल खरी सी कि कश्मीरियों की शनाखत की जाए और ये हूँ नहीं कि मैं पार्लीमेंटेरियन बनता तो उस तो बाद मसला कश्मीर मारे वास्ते कोई ज़्यादा माना रखना, बल्कि मेरी सियासत जिथे भी कश्मीरियों की आवाज़ वास्ते असं आवाज़ बनी सकता तो मैं समझना सा कि असना एक करदार भी बनना, असना एक फर्ज भी बनना और फर्ज है बनना कि जे उन्होंने आवाज़ असना आवाज़ बनी सकने तो फिर उन्हों पर जरा जुल्म सितम हो रहा था फिर असं भी उस जुल्म सितम ने बराबर शरीक किया। फरवरी कश्मीर डे पर जी इस साल मारी तकरीर हुई कश्मीर पर वो तो किसी को छुपी लुकी हुई नहीं। इस तो अलावा जरा असना उस तो बाद दौरा सी कश्मीर ना ऑल पार्टी पार्लीमेंट्री कश्मीर ग्रुप ना सी ए सी कि वापस अच्छी तरह असं एक बैक बेंच डिबेट भी रखनी सी जी मंजूर हुई सी पर लॉकडाउन की वजह तो ना हो सकी। उसने चे सी कि कश्मीर नी अवेयरनेस रेज करना जरा जुल्म सितम उथा हो रहा मोदी गवर्नमेंट की तरफों उसकी लोगों ने सामने आना और कम अज़ कम और नहीं तो मसला कश्मीर ना हल वास्तै कुछ ना कुछ असं कदम अगे बढ़ा। बहुत शुक्रिया जी। और तुसा ना एक अस आखिरी सवाल करना चाहते हैं क्योंकि तुसा को टाइम तो बड़ा घट आ। सवाल यह है कि जी साड़ी यंग यूथ है इसने बारे च अगर तुसा कोई इन्हें कि दसना चाहते हो क्योंकि साढ़े काफ़ी फॉलोअर जोड़े वो यंग बंदे अपने एशियन खास करी जोड़े उन्होंने वास्ता कोई पैगाम।
देखो जेरी पहली जनरेशन इत्थै बरतानिया च आई बहुत उन्ना कम कीता और हर शोबे च असने पाकिस्तानी कश्मीरी इसलै इन्वॉल्व है भावें पॉलिटिक्स चन बिजनेस चन भावें जिस एतबार नाल तक सो मेडिकल फील्ड तक ही किनो इंजीनियरिंग तक ही किनो हर शोबे च इन्वॉल्व हैं। ये मुल्ख असना उन मकामी मुल्ख है असं की चाहना कि जी यूथ है उन्हें की अवेयरनेस दसी जाए कि बुनियादी तौर पर वह कश्मीरी हैं कश्मीरी होने नाल उन्होंने भी कुछ फर्ज बनने कि तालीम हासिल करने तो बाद कम करना तो हर एक बंदा करी सकना पर इस कोज की सपोर्ट करना इस कोज की अलाइव रखना 72 साल तो अफसोसनाक गल ये है कि 72 साल तो असा कश्मीर कोज की यूनाइटेड नेशन इतना ना पेश करी सके जितना असं की पेश करना चाहिए से बल्कि जिसलै सारिया फोर्सिस गठिया हो सन और ये एक मौका सी लॉकडाउन तो बाद जरा कश्मीर जुल्म सितम हो रहा सी एक इंटरनेशनल आवाज़ बनी रही सी पर इस COVID-19 कोरोना वायरस की वजह तो मैं समझना कि वो आवाज़ कश्मीरिया नहीं रही जिथे तक असा कोर्स शुरू किया बल्कि ये यूथ है इन्ना को पता होना चाहिए कि बुनियादी तौर पर यह कश्मीरी है राइट मुतनाज़ा इलाका कुछ इलाका पाकिस्तान ने कब्जे चा कुछ इलाका इंडिया ने कब्जे चा और इसना जो फ्यूचर डिसाइड करना वो कश्मीरियाँ करना ना पाकिस्तान करना ना इंडिया इसना फैसला करना। अच्छा जी बहुत शुक्रिया जी जनाब तुसा इतना कि अपना कीमती टाइम कढ़िया साढ़े वास्तै और तुसा आज जैसा कश्मीर ना दिहाड़ा आया 5 अगस्त इस तुसा अच्छी साढ़े वास्तै आयो इतना कीमती टाइम कढ़िया असें इंटरव्यू दिता और इस वास्तै अस तुसा बड़ा शुक्रिया गुजार रहे हैं। ये जनाब इस एम पी ते रैली ये ऑल ग्रीन इचू इलेक्शन जीती तो एम पी बनते तो इन्हों ने तुसा बुझा जे कि जिन्हें दसिया कश्मीर ने बारे च और अस कोशिश करने और इे जी नवी नवी वीडियो बनाने तो तुसें दसा और मिलने अगर नैक्सट तुसा नैक्सट वीडियो ना थैंक यू।